नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं LIC की FD स्कीम के बारे में। जी हाँ, एक ऐसी स्कीम जिसके अंदर आपको FD पे मोर देन 30% रिटर्न मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप पैसा किस तरीके से डालना चाहते हैं, कितने रिस्क के साथ लगाना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ LIC के निवेश प्लस प्लान की, जिसके अंदर आप सिंगल प्रीमियम पैसा डाल के आप मार्केट का भी फायदा ले सकते हैं। मतलब ये प्लान मार्केट लिंक्ड है, जिसके अंदर आपको रिस्क कैटेगरी अपने हिसाब से डिसाइड करनी होगी, जो कि हम डिस्कस करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के मोड में, जहां पे समझेंगे कौन कौन किसके लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से फंड अवेलेबल हैं, क्या क्या चार्जेस लगते हैं और कैसे पैसा रिटर्न मिलता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। उस चीजों को समझने के लिए मैं आपको ले जाऊंगा अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसके कंप्लीट चार्ट को बना रखा है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है LIC का निवेश प्लस प्लान। आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन को रखे LIC के निवेश प्लस प्लान। सबसे पहले समझते हैं इस प्लान की बेसिक डिटेल। देखिए, इसका प्लान का जो नाम है LIC निवेश प्लस है, ये का टेबल नंबर है 849। इसकी अगर प्लान टाइप की बात करिए तो प्लान टाइप है इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्लान है। प्रीमियम टाइप की बात करिए तो सिंगल प्रीमियम प्लान है हमारा। सम एश्योर्ड के इसमें दो ऑप्शन है, पहला है 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, सेकंड है 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम। अब क्या मतलब होता है इसका, आपने जैसे फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए जमा करा तो 1,25,000 रुपए का सम एश्योर्ड रहेगा। दूसरा ऑप्शन है इसमें 1,00,000 रुपए जमा करते हैं 10,00,000 रुपए का सम एश्योर्ड रहेगा। मिनिमम एंट्री है ऑप्शन 1 में 90 डेज, ऑप्शन 2 में भी 90 डेज। मैक्सिमम जो एंट्री है ऑप्शन 1 में 70 इयर्स है और ऑप्शन 2 के अंदर 35 इयर्स रखी गई है। पॉलिसी टर्म जो है ऑप्शन 1 में 10 इयर्स से लेकर 25 इयर्स है, ऑप्शन 2 में 10 टू 25 इयर्स रखा गया है। अब बात करते हैं बेसिक डिटेल्स में फर्दर। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की तो ऑप्शन 1 में 85 इयर्स है और ऑप्शन 2 में 50 इयर्स रखी गई है। वहीं पे मिनिमम जो प्रीमियम है 1,00,000 रुपए रखा गया है। मैक्सिमम जो प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, जितना बड़ा प्लान लेना चाहे उतना बड़ा प्लान ले सकते हैं। वहीं पे सरेंडर इसमें प्लान में 5 साल बाद अवेलेबल है। वहीं पे लोन जो है इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। बैक डेटिंग जो है पॉलिसी की अवेलेबल नहीं है। वहीं पे अगर बात करें इनकम टैक्स बेनिफिट की तो प्रीमियम के ऊपर आपको ATC के रिबेट मिलती है। मैच्योरिटी जो रहेगी ऑप्शन 1 के अंदर टैक्सेबल रहेगी और ऑप्शन 2 के अंदर जो है आपकी टैक्स फ्री रहेगी आपकी मैच्योरिटीज के अंदर। वहीं पे डेथ बेनिफिट की बात करें तो डेथ बेनिफिट जो है टैक्स फ्री रहेगा दोनों ही ऑप्शन के अंदर। वहीं पे फर्दर अगर डेथ बेनिफिट क्या मिलता है इसके अंदर तो उसकी बात करते हैं, तो इसके अंदर जो भी यूनिट फंड वैल्यू है या बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा, दोनों में जो चीज हायर रहेगी वो आपको दे दी जाती है, मतलब के नॉमिनी। इसके अंदर फंड कौन कौन से अवेलेबल है, सबसे पहला है बॉन्ड फंड, जिसके अंदर रिस्क चांसेस जो होते हैं वो लो होते हैं, रिस्क चांसेस एंड रिटर्न जो होता है लो होता है, जिसमें होल्ड अमाउंट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डाला जाता है। वहीं पर सिक्योर्ड जो फंड होता है उसके अंदर जो रिस्क और रिटर्न होता है वो मीडियम होता है, मतलब 15-55% पैसा जो होता है इन्वेस्ट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, बैलेंस अमाउंट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है आपका शॉर्ट टर्म के अंदर। ऐसी तरह से बैलेंस फंड की बात करें तो रिस्क जो होता है कंपैरेटिवली सिक्योर फंड से थोड़ा ज्यादा रहता है। 30-70% अमाउंट जो इन्वेस्ट होता है शेयर्स में, बैलेंस अमाउंट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उससे ज्यादा रहता है ग्रोथ फंड के अंदर रिटर्न भी आपको रिस्क भी ज्यादा, क्योंकि इसमें जो 40-80% पैसा इन्वेस्ट होता है आपका शेयर मार्केट के अंदर, बाकी बैलेंस होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पार्शियल विड्रॉल की बात करें तो पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल है इसके अंदर अगर आपकी उम्र 18 साल से अबव माइनर और एडल्ट के लिए पॉलिसी को 5 साल कंप्लीट होने चाहिए। लिमिट जो है कंडीशन जो है विड्रॉल की, पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल है फिक्स अमाउंट मतलब फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स के अंदर। परसेंटेज कितना अलाउड है, बात करें 6 साल से लेकर 10वें साल तक करना है तो 20%, 11 साल से 15वें साल 25%, 16वें साल से लेकर 20 साल के बीच में करते हैं तो 30%, 21वें साल से लेकर 25वें साल करते हैं तो 35%। अब आते हैं मेन चीज पे चार्जेस के ऊपर। तो एलोकेशन चार्जेस जो है ऑफलाइन पे 3.30% है, ऑनलाइन पे 1.50% ऑफ सिंगल प्रीमियम। मोर्टेलिटी चार्जेस के अंदर लग जाते हैं आपको एक्सीडेंट चार्जेस, एक्सीडेंटल चार्जेस तो जुड़ते ही हैं प्लान के अंदर। PA चार्जेस जो है PSC इसके अंदर नहीं लगती है आपको, सबसे बेस्ट चीज है। फंड मैनेजर चार्जेस जो FMCs को बोलते हैं 1.35% पर NM रहेगा ऑफ यूनिट फंड जो अमाउंट बनाएगा आपको इनफोर्स पॉलिसी के चारों फंड टाइप में, और अगर डिसकंटिन्यूड पॉलिसी है तो 0.50%। पार्शियल विड्रॉल चार्जेस की बात करें तो फ्लैट 100% रहेगा, डिडक्ट रहेगा आपके फंड वैल्यू से। वहीं पर टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस एज पर करंट जो आपका प्रिवेलिंग टैक्स लॉज है उसके हिसाब से रहेगा, जो करंट रेट चल रहा है 18। गारंटी एडिशन इस प्लान के अंदर हर 5 साल आपको मिल जाती है, जिसके अंदर एंड ऑफ पॉलिसी ईयर मिलता है, जैसे कि अगर आपका 5 साल कंप्लीट होगा 6वें साल 3% ऑफ सिंगल प्रीमियम, 10वें साल 4% ऑफ सिंगल प्रीमियम, 15वें साल 5%, 20वें साल 6% और 25वें साल 7% ऑफ सिंगल प्रीमियम दे दिया जाता है। स्विचिंग ऑफ फंड जो है 4 बार अलाउड है पॉलिसी ईयर के अंदर, उसके बाद अगर आप करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज लगेगा। एक्सीडेंटल राइडर जो है अवेलेबल है, बट कभी भी आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं पॉलिसी टेन्योर के दौरान। तो यह कंप्लीट निवेश प्लस प्लान, यहां पे आके जो है प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन LIC के निवेश प्लस प्लान की। तो क्या लगता है आपको कि सिंगल प्रीमियम अमाउंट अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निवेश प्लस सही ऑप्शन रहेगा या नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स और फीडबैक का हम आप और मेरी टीम जरूर उस पर ध्यान दिया जाता है। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।